दोस्तों, जब आप लोग कोई नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उसमें ये चीज़ तो ज़रूर देखते हैं कि इंटरनल स्टोरेज कितना है। ठीक है, उसमें इंटरनल स्टोरेज ज़रूर आप लोग चेक करते ही होंगे। तो इंटरनल स्टोरेज के बारे में एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसको कि बोला जाता है रोम। जी हाँ दोस्तों, रोम को ही बोला जाता है इंटरनल स्टोरेज, और इंटरनल स्टोरेज को ही बोला जाता है रोम। तो व्हाट इज़ रोम, रोम क्या है, तो इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, रोम जो है एक स्टोरेज है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके रोम ज़्यादा है तो आप बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे ऐप्स, ये सब चीज़ें आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उसमें स्टोरेज करने के लिए मेनली वो चीज़ आता है रोम। तो रोम को समझने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ईजी एग्जाम्पल, जो कि आप सभी के घर में होगा। तो देखिए, रोम जो है एक अलमारी की तरह है। ठीक है, आपके घर में तो अलमारी होगा ही। अलमारी के अंदर क्या करते हैं आप, बहुत सारे कपड़े, आपका जो कपड़े वगैरह जो सब भी होता है वो आप रखते हैं स्टोर करके। ठीक है, तो जब आपको उस कपड़े का ज़रूरत पड़ता है तो आप उस कपड़े को निकालते हैं, निकाल के आप उसको पहन लेते हैं। तो सेम चीज़ ऐसा ही है। अगर मोबाइल का बात किया जाए तो मोबाइल का रोम जो है, रोम में आपका बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल रहता है, जैसे कि ऐप्स, गेम्स, जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, सब चीज़ें आपका रोम में इंस्टॉल होता है। तो आप देखिए, जब आपको कोई ऐप्स ओपन करना होगा तो आप उसको ओपन कर लेंगे, तब रोम का जो है काम खत्म हो गया। उसके बाद आ जाता है प्रोसेसर और रैम का काम। तो वो जो है, रोम का काम उतना ही होता है कि स्टोर करके रखना। ठीक है, और जब आप उसको ओपन कर लिए, उसके बाद रोम का काम वहाँ से धीरे धीरे हट जाता है, वो चला जाता है रैम में। ठीक है, रैम में चला जाता है, प्रोसेसर में चला जाता है। तो दोस्तों, मेनली रोम का काम जो है यही होता है कि जो चीज़ें आप डाउनलोड कर रहे हैं, जो चीज़ आप रखना चाहते हैं, उसको इंस्टॉल करके रखना, उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, तो दोस्तों यही था रोम के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा है, एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।